Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be doing well. Welcome back to my channel. तो जी जनाब, आज है संडे और इत्तेफाक से है सनी डे. और अगर संडे और सनी डे साथ आ जाएं तो क्या ही बात होती है. बज़ाहिर ये सनी डे तो लग रहा है लेकिन टेम्परेचर काफ़ी लो था आज, अराउंड 2 degrees centigrade या 3 degrees centigrade. प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माई होर्स वॉइस. पिछले कुछ दिनों से मेरा गला ख़राब चल रहा है. मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस आ जाते हैं, स्पेशली अगर आप हाई रिस्क पे हों. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि नर्सरी से, स्कूल से जो है डिफरेंट वायरसेस कैच करके लाते हैं, और अगर आप की वर्कर हों, आप हॉस्पिटल में आपका पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, तो देर इज हाई रिस्क कि आपको जो है वो इन्फेक्शन लग सकता है. ऑल्दो मैंने इस साल की जो है विंटर वैक्सीन यहाँ पे लगती हैं, कोविड की जैब भी लगवा लिया था और फ्लू जैब भी लगवा लिया था, लेकिन मुझे लगता है इससे सिर्फ कवरेज जो है ना आपकी 50% या 60% ही होती है. पता नहीं कितनी किस्म के जो है वायरसेस जो है वो आ गए हैं मार्केट में, और आजकल RSV या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे. अच्छा, दो तीन बातें मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जो ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि गला ख़राब हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लारेंजाइटिस हो गया, कान में दर्द हो गया, तो ये ज़्यादातर जो है वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं और इनमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता. इसीलिए इसके अंदर सब सिर्फ कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और पानी ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और जो है विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जो है आप आइबुप्रोफेन ले लें या पैरासीटामोल ले लें ऑल्टरनेट करके, ताकि जो है आप अच्छा फील कर सकें. नॉर्मली ये चार पाँच दिन के बाद वायरल इन्फेक्शन सबसाइड हो जाते हैं, आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है. बट अगर ये नहीं ख़त्म हो और अगर आपको लगे कि आपकी कंडीशन वर्स हो रही है, आपको हाई टेम्परेचर्स हो रहा है, फिर आप जो है अपने डॉक्टर को दिखाइए एंड वो आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट कर देगा. क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक शुरू में ही ले लें तो फिर वो आपके ऊपर वर्क नहीं करती, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक जब यूज़ की जब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी. चलिए, ये तो हो गई कुछ मेडिकल टिप्स. अब मैं आपको जाती हूँ लेके अपने साथ वहाँ पे जहाँ मुझे जाना. तो मैं जाऊंगी एक होम टूर पे, और ये जो है यहाँ पे शो होम्स बने हुए हैं और 2 to 3 bedded जो है यहाँ पे बने हुए हैं, छोटे छोटे से कॉटेजेस सॉर्ट ऑफ. एंड मैं आपके साथ जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी हाउ डज इट लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड, और इसके क्या प्राइसेस होते हैं अगर आपको रेंट पे हो. अमूमन UK में इस तरह इन एरियाज में अगर आपको रहना हो तो उनके रेंट्स क्या होते हैं, और अगर आपको खरीदना हो तो उनके क्या प्राइसेस होते हैं. पहले हम साथ चलते हैं. अच्छा, जो घर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये जो है वो टाउन हाउस है, और इसमें सिर्फ 2 floors हैं, और नीचे जो है वो किचन और बेडरूम्स हैं, और ऊपर एक 2 bedrooms ऊपर भी हैं. किचन जनाब ये देखें, छोटा सा क्यूट सा जो है वो एक मॉडर्न सा जो है किचन है. इसके अंदर हॉब लगा हुआ है, ज़्यादातर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हॉब्स ही होते हैं, गैस जो है नहीं दी जाती, जस्ट फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और किचन के अंदर ही छोटा सा डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे आप जो है डाइनिंग लगा सकते हैं. यहाँ पे अमूमन 4 से बड़ी तो नहीं आ सकती थी, यहाँ पे 4 लोगों की डाइनिंग ही आ सकती है. किचन से निकलने के बाद जो है ये सारा सामने कॉरिडोर के बाद जो है यहाँ पे एक सिटिंग एरिया आया है, और इसको लिविंग रूम भी कह सकते हैं आप. और ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, स्पेशियस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सोफे वगैरह रख दें आप यहाँ पे अच्छी सी गैदरिंग कर सकते हैं. सामने जो है ये गार्डन की तरफ खुल रहा है गेट, और देखें सामने नज़ारा कितना खूबसूरत है. सामने आपको टाइन रिवर भी दिखेगा क्योंकि ये रिवर के इस तरफ है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है. Now going back from kitchen. मुझे थोड़ी और बात ये लगी कि इन्होंने किचन को जो है वो लिविंग रूम से डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है. खैर, ये जनाब ये जो है लैंडिंग एरिया कहलाता है जहाँ आप डायरेक्ट सबसे पहले एंटर होते हैं. तो नीचे वाले फ्लोर में हमने किचन देखा और सिटिंग रूम देखा, उसके बाद मैं जाती हूँ ऊपर और आपको दिखाती हूँ बेडरूम्स. तो जी जनाब, ये है मास्टर बेडरूम.
ये थी इनकी इनबिल्ट वार्डरोब्स जो कि साथ ही मिलती हैं बनी हुई, और अगर आप नहीं बनवाना चाहें तो आप किसी और डिज़ाइन में बनवाना चाहें तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं साथ ही जब आप अपना होम जो है बुक करवा रहे हो। अगेन द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रॉम द विंडो। चूँकि सॉर्ट ऑफ ये टू बेडेड हाउस है तो इसका जो इसकी जो जगह है वो थोड़ी सी मुझे टाइट लगी, थोड़ी कम लगी। अमूमन ये ज़्यादातर जो है लोग लेते हैं यहाँ पे, जो कपल होता है उनके दो बच्चे होते हैं तो अमूमन उनके लिए घर जो है सूटेबल होता है। मुझे मास्टर बेडरूम से ज़्यादा अच्छा ये वाला बेडरूम लगा, और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा गुंजाइश है पहले वाले से। ये आ गया एक छोटा सा क्यूट सा बच्चों का रूम, और ये किड रूम है, और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कस्टमाइज है बच्चों के लिए। जी जनाब, तो कुछ गैस करेंगे आपके इसका जो है, अगर आपने परचेज़ करना हो तो इसकी क्या प्राइस होगी, और अगर आपको जो है रेंट पे लेना हो तो क्या प्राइस होगी? जी, तो इसकी तकरीबन रेंट प्राइस जब मैंने पूछी तो इसकी यहाँ पे जो चल रही है इस तरह का छोटा आप लेते हैं तो तकरीबन 1250 से लेके 1300-1350 तक पर कैलेंडर मंथ इसकी जो है रेंट है, जिसमें ना तो जो है वो काउंसिल टैक्स शामिल है और ना ही यूटिलिटी बिल्स। तो जी जनाब, ये था हमारा एक छोटा सा न्यू बिल्ट हाउस का होम टूर, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीलॉग में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।